गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिंपल पारिक, फॉर्मर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 11th क्लास के हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारी दो बुक है, पहली बुक है आरोह और दूसरी बुक है हमारी वितान। ओके बेटा, टू बुक है आपकी। आई होप आपने दोनों बुक्स खरीद ली होगी। तो फर्स्ट बुक जो थी उसके अंदर हमारे टू चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं। आज हम जो एक सेकेंड बुक है जिसका नाम है वितान, इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और फर्स्ट लेसन निकाल लीजिए, जिस लेसन का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर। बेटा लता मंगेशकर के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ है और इनको हम कोकिला की भी कह सकते हैं एक तरीके से माना जाए तो, क्योंकि इनकी आवाज़ क्या है, बड़ी मधुर है। और आज भी अगर इनकी आवाज़ हम सुनते हैं तो अनायास ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लता मंगेशकर बेटा एक बहुत जाना पहचाना नाम है, हमारे भारत में नहीं देश विदेशों में भी इनके नाम की बहुत भरमार है, बहुत इनको मान सम्मान मिला है इनकी आवाज़ के कारण, इनकी मधुर आवाज़ के कारण। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं और संगीत की जानकारी थोड़ी सी हम लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। बरसों पहले की बात है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं कुमार वर्धक। तो उन्होंने लता मंगेशकर के बारे में लिखा है, क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है कि मैं बीमार था, कौन लेखक बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अर्थात उन्होंने, आज के तो हमारे पास में रेडियो बहुत कम मिलने देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले जो था वह रेडियो ही क्या थे, एक तरीके से मनोरंजन का साधन थे। तो जैसे ही लेखक ने ये रेडियो लगाया तो एक बहुत ही प्यारी मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, यानी कि मैंने जब उसका स्वर सुना, उसकी आवाज़ सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यह जो स्वर है बिल्कुल ही क्या है, विशेष है, कुछ हटकर है, कुछ बात है इस स्वर में, रोज का नहीं है। वह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा, यानी कि मेरे मन को, मेरे दिल को उसने आकर्षित कर दिया। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर है किसका, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल नई सी आवाज़ लगी मेरे को। मैं रोज़ रेडियो सुनता हूँ तो इतनी मेरे को सारी आवाज़ें मैं पहचानता हूँ, लेकिन वो जो आवाज़ थी बिल्कुल ही अलग नज़र आ रही थी। तो मेरे को बड़ा ही ताजुब हुआ कि भई ये आवाज़ किसकी है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही लेखिका का नाम घोषित हुआ और वो नाम था लता मंगेशकर। अर्थात जैसे लेखक ने वो उस गाने को कंप्लीट हुआ, उस गाने के बाद में क्या होता है, रेडियो वाले बताते हैं ना कि भई ये गाना किसके द्वारा रचित है, किसने इसको संगीत दिया है, कौन इसके गायक है। तो जैसे उसका नाम संबोधित किया गया, नाम उसके बोला गया, और तो वह नाम क्या था, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, जो ताजुब हुआ, मैं चकित हो गया, क्यों हुआ। मन ही मन एक संगति पाने का जो अनुभव हुआ था, सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा ही स्वरूप लिए हुए उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। अर्थात जो उनके पिता थे वह भी क्या थे, एक सुप्रसिद्ध गायक थे, जिनका नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर। ओके, यानी कि लता मंगेशकर के फादर यानी कि पिता का नाम क्या है, दीनानाथ मंगेशकर, जो कि वह भी एक बहुत प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं। और उन्हीं का जो दूसरा स्वरूप अगर देखने को मिला है तो वह किसके अंदर मिला है, उनको लता मंगेशकर के अंदर। अर्थात अपने पिता के बहुत सारे जो गुण हैं वह लता मंगेशकर के अंदर ही देखने को मिले हैं। मुझे लगता है बरसात के पहले की किसी चित्रपट का यह कोई गाना था, यानी कि बरसात एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के पहले का जो ये जो गाना जो लेखक ने सुना वह उससे भी पहले का गाना है। तब से लता निरंतर गा रही है, निरंतर यानी कि तब से लता मंगेशकर जो है निरंतर क्या कर रही है, गाए ही जा रही है, और मैं भी उनका गाना सुनता ही आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता मंगेशकर पहले एक गायिका थी जिसका नाम था नूरजहाँ, उसका अलग ही जमाना था, यानी कि उसके अधिकतर बहुत सारे जो गाने हैं वह नूरजहाँ ने गाए थे। नूरजहाँ के बाद में जो प्रसिद्ध गायिका आई वह आई हमारे लता मंगेशकर, जो आज तक प्रसिद्ध हैं। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे भी आगे निकल गई।
यानी कि लता मंगेशकर नूरजहाँ के बाद में आई थी, लेकिन नूरजहाँ की आवाज़ भी जो है लता मंगेशकर की आवाज़ के आगे फीकी पड़ गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिया विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे निकल गई। यानी कि ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। अब जो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो सितार वादक है, जो सितार बजाया करते हैं, जो उनके बेटे थे विलायत खां, सॉरी, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए। उनके पिता भी क्या बजाया करते थे, सितार बजाया करते थे, लेकिन जो बेटा था, बेटा अपने पिता से भी बहुत अच्छा सितार बजाया करता था, जिसके कारण से उसे पिता से ज़्यादा किसका नाम हुआ, विलायत खान का नाम हुआ। कई बार ऐसा होता है ना कि बेटे के नाम से बाप की पिता की पहचान होती है, तो ऐसा ही हुआ है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका है ही नहीं। अर्थात जो लेखक बता रहा है कि आज तक मैं दावा कर सकता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, यानी कि वो पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आज तक जो भी गायिकाएं हुई है, लता के आगे कोई भी गायिका नहीं टिकी। अर्थात भारतीय गायिकाओं में कोई श्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, लता मंगेशकर। लता के कारण चितपट संगीत की विलक्षण लोकप्रियता मालूम होती है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। अर्थात शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत लोग बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन लता की आवाज़ जब उन्होंने सुनी है तो शास्त्रीय संगीत की तरफ भी जो लोग हैं वह क्या हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। छोटी बात कहूँगा, पहले तो घर घर के छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले गानों के अंदर बड़ा ही अंतर है। यानी कि पहले के समय में जो गाना गाया करते थे बच्चे और आज के बच्चे जो गाना गाया करते हैं, उनमें काफ़ी अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्वर में गुनगुनाते हैं, क्या पता उस जादू का असर ही लता पर हुआ हो। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ते रहने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। इतनी मधुर आवाज़ अगर हमें को सुनने को मिले तो हम क्या करेंगे, बार बार में उस आवाज़ को सुनना चाहेंगे। ये स्वाभाविक है, सही है, ये स्वाभाविक है ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विभिन्न प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है उसकी समझ में उन्हें ही जा सकती है कि सुरीलापन है क्या। हम सिर्फ क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन सही मायने में सुर ताल में गाना बहुत बड़ी बात है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं और जो आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है, साधारण प्रकार के लोगों को भी उसमें सूक्ष्मता समझ में आने लगी। यानी कि जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है वह भी क्या है, लता की आवाज़ सुनकर और जो सुर ताल है उसके बारे में जानकारी लेने लगे हैं, और बहुत जो लोग हैं वह सुर ताल के बारे में क्या करें हैं, जानने लगे हैं। इन सब का श्रेय किसको जाता है, लता को जाता है, लता मंगेशकर। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि भी पैदा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम माने कि संगीत की जो लोकप्रियता है, संगीत के प्रति अगर कोई आकर्षण हुआ है, उसकी लोकप्रियता हुई है, उसका प्रसार हुआ है, लोगों में अगर वो रुचि बढ़ी है तो किसके कारण बढ़ी है, लता की आवाज़ के कारण ही सबके मन में ये रुचियाँ बढ़ी हैं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं लता मंगेशकर के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे हम आगे। बहुत लेंथी लेसन है, इसके अंदर आपकी जो गायिका है उसके बारे में तो बताया गया है, इसके अलावा सुर ताल इत्यादि के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, जो वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अब आपको होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है, लता मंगेशकर से संबंधित आपको जानकारी एकत्रित करनी है और वह जानकारी आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बुक में नहीं है, मैं बुक के बाहर से दे रही हूँ ये क्वेश्चंस,
कि आपको लता मंगेशकर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है, उन्होंने कब गायन स्टार्ट किया, उनके गायन की क्या विशेषता रही है, उनके जीवन से संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलती है वह सारी जानकारी आपको एकत्रित करके और नोटबुक में लिखनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।